कोई नहीं है मेरी तो सब यहाँ। सो हे गाइज, वेलकम टू माई YouTube चैनल। तो गाइज, फिर से एक न्यू ट्रेंडिंग लिरिक्स वीडियो रेटिंग लेके आ गया हूँ। तो अभी जो आपने वीडियो के स्टार्टिंग में जो प्रीव्यू देखा है ना, तो कुछ इस टाइप की लिरिक्स वीडियो क्रिएट करने वाले हैं। तो कुछ इस टाइप की जो लिरिक्स वीडियो है ना, अब Instagram रील्स पे काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है। और आपने देखा होगा गाइज, इसमें अलग अलग इफेक्ट्स लगे हुए हैं जो काफ़ी ज़्यादा गाइज ऑसम लग रही है इस वीडियोज़ के ऊपर में। तो आज के इस वीडियो को पूरी लास्ट तक ज़रूर देखते रहना अगर आप भी कुछ इस टाइप से लिरिक्स वीडियो बनाना चाहते हो। तो लिरिक्स वगैरह कैसे क्रिएट करना है सारा कुछ आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को विदाउट स्किप के लास्ट तक वॉच करते रहो चैनल पर, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो गाइस, सबसे पहले आपको यहाँ पे लाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, प्लस के आइकन पर क्लिक कर लेना है। देन 9x16 की साइज को हम सिलेक्ट करके बैकग्राउंड कलर ब्लैक ऐड कर लेंगे और उसके बाद में क्रिएट प्रोजेक्ट पर हम टैप करेंगे, ठीक है। अभी क्या, सबसे पहले म्यूज़िक को ऐड करेंगे। तो चलो प्लस पे आएंगे, मीडिया में आएंगे और उसके बाद मैं अपनी गैलरी में आता हूँ और जो अभी वीडियो के स्टार्टिंग में अपने जो प्रीव्यू में जो सॉन्ग सुना था वही सॉन्ग को मैं यहाँ पे ऐड करूँगा, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर ऐड करने के बाद टैप कर लेना, थ्री डॉट पे आना, एक्सट्रैक्ट ऑडियो पे टैप कर लीजिएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या, सबसे पहले वीडियो को टैप करके हम डिलीट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में गाइस, यहाँ पर देखो हमारी सॉन्ग जो है ना, यहाँ पर 22 सेकंड तक है। आप यहाँ पर अगर कोई और भी सॉन्ग को यूज करना चाहते हो तो ईजिली यहाँ पर डाउनलोड कर लेना कहीं से भी और ऐड कर लीजिएगा। अभी पहले यहाँ पर फोटोज़ को ऐड करेंगे, तो यहाँ पर प्लस पे आके मीडिया में आएंगे और उसके बाद में यहाँ पर गैलरी में आता हूँ और गैलरी से गाइस यहाँ से पहले एक सिंगल फोटो को यहाँ पर मैं ऐड कर लेता हूँ, लाइक ये। उसके बाद में यहाँ पर आपको क्या करना है, मूव एंड ट्रांसफर में आना है और ऐसा करके इसको फुल स्क्रीन कर लीजिएगा। फिलहाल के लिए फिर से यहाँ पर आप प्लस पे आ जाना, मीडिया में आना, सेकंड फोटो को ऐड कर लेना कुछ इस तरीके से, यहाँ पर आना प्लस पे आना, मीडिया में आना, थर्ड फोटो को ऐड कर लेना इसी तरीके से, आपको यहाँ पर प्लस पे आना, मीडिया में आना और नेक्स्ट फोटोज़ को ऐड कर लीजिएगा। तो ये जितने भी गाइज म्यूजिक के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर फिलहाल के लिए फोटोज़ को यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। देखो कुछ इस तरीके से इधर भी ऐड कर लीजिए, इधर आना है और इधर भी गाइज प्लस पे आके मीडिया में आके इधर भी फोटोज़ को ऐड कर लेते हैं। देन इधर भी प्लस पे आएंगे, मीडिया में आएंगे, फोटोज़ को ऐड कर लेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे कि फोटोज़ को आपको कैसे ऐड करना है। तो कुछ इस तरीके से जितने भी इमेजेस हैं आपको पहले यहाँ पर एंड तक ऐड कर लेना होगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जितने भी इमेजेस हैं टैप करो, मूव एंड ट्रांसफर में आइए और ऐसे करके फुल स्क्रीन कर लो। फिर से यहाँ पर टैप करो, मूव एंड ट्रांसफर में आएंगे और ऐसे करके फुल स्क्रीन कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर इसको नेक्स्ट वाले को भी टैप करेंगे, मूव एंड ट्रांसफर में आएंगे, कुछ इस तरीके से फुल स्क्रीन करके यहाँ सेंटर में रख लेंगे, ठीक है। देन इधर भी टैप करेंगे, मूव एंड ट्रांसफर में आएंगे, इसको भी फुल स्क्रीन करेंगे और सेंटर में रख लेंगे, ठीक है। तो इतना काम हमारा हो चुका है। अभी गाइस, सबसे पहले एक फ़ोटो उसको हम क्रिएट कर लेते हैं और एक लिरिक्स को क्रिएट कर लेते हैं, फिर यहाँ पर जितने भी इमेजेस हैं उस हिसाब से हम और क्रिएट करेंगे, ओके। तो पहले यहाँ पर क्या करेंगे, एक फ़ोटो को टैप कर लीजिए, इफेक्ट में आके एड इफेक्ट पे आइए और यहाँ पर हम सबसे पहले एक इफेक्ट ऐड करेंगे जिसका नाम है विग्नेट। तो यहाँ पर देखो, विग्नेटी या विग्नेट जो भी आप समझो, यहाँ पर इस वाले इफेक्ट को सिलेक्ट कर लो। देन यहाँ पर स्टैंडर्ड सेटिंग्स को ऑन कर लेंगे, राउंडनेस के ऑप्शन को यहाँ पर कम करेंगे और साइज़ को भी थोड़ा सा कम कर लीजिए, ठीक है, और फैथर को यहाँ पर इंक्रीज़ कर लो, ठीक है। अब यहाँ पर आपको मिलेगा स्ट्रेंथ का, तो इसको स्ट्रेंथ को आप इंक्रीज़ कर सकते हो, जितना फुल कर दो यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे ब्लेंडिंग एंड ओपासिटी, मैं आके इसकी ओपासिटी को कम कर लीजिए, यहाँ पर मैंने रखा था 70, तो 70 रख सकते हो या ज़्यादा रख सकते हो अपने अकॉर्डिंग, यहाँ पर देख लेना अपनी फ़ोटो के अकॉर्डिंग, इतना कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर पहले फर्स्ट लिरिक्स को क्रिएट कर लो, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, प्लस पे आएंगे, टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, जो आपकी पहली जो लिरिक्स रहेगी ना सॉन्ग की उसको यहाँ पे टैप कर लेना। तो मैंने लिरिक्स पहले से गूगल से जाकर कॉपी कर लिया था, तो आप भी गूगल में चले जाना, जो भी सॉन्ग की लिरिक्स रहेगा उसको लिख लीजिएगा वहाँ पे और हिंदी टाइप कर देना है, तो ऑटोमेटिक बहुत सारे लिरिक्स वाली वेबसाइट्स ओपन हो जाएंगी, तो वहाँ से आप लिरिक्स को कॉपी कर लीजिएगा, ओके। तो पहले जो वर्ड था कोई, तो यहाँ पर कोई का मैं ले लेता हूँ, बाकी के वर्ड्स को मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ गाइज, ठीक है फिलहाल के लिए। और यहाँ पर कलर में आके इसकी जो कलर है वाइट कर लेता हूँ और स्टार्टिंग के वर्ड कैपिटल में रख लेना। अब यहाँ पर रोबोट और रेगुलर पे क्लिक कर लीजिए, यहाँ पर आपको 3-4 फॉन्ट मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो एक एक करके जितने भी फॉन्ट्स हैं सबको आपको पहले इम्पोर्ट कर लेना होगा अलाइट मोशन में। तो इम्पोर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, व्यू ऑल फॉन्ट्स पे टैप करना है, थ्री डॉट पे आके यहाँ पर इम्पोर्ट फॉन्ट्स पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पर गाइस आपकी गैलरीज ओपन हो जाएंगी। अब गैलरी में जहाँ भी अपने फॉन्ट को रखा होगा बस फॉन्ट को सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। फॉन्ट ऐसे सिलेक्ट करो तो फॉन्ट आपकी यहाँ पे ऐड हो जाएगी।
अब जो फॉन्ट आप यहाँ पर ऐड के उसकी नेम सर्च कर सकते हैं, जैसे कि मैंने किया था अमेरिकन कैप्टन एक फॉन्ट है, ठीक है। और इसी तरीके से गाइज एक ड्रीम्स वाली कुछ फॉन्ट है, तो यहाँ पर मैं इसको भी सर्च कर लेता हूँ। देखो कुछ इस तरीके से ये वाला एक बिलियंस ड्रीम्स वाला ये फॉन्ट है, तो इन सभी फॉन्ट को आपको ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर ओवर टू रेगुलर पे आता हूँ और यहाँ से मैं जो फॉन्ट यूज किया था एक ये था, तो इसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा और इसकी साइज को ऐसे करके इंक्रीज कर लीजिए, ठीक है। और डन करके यहाँ पर फिलहाल के लिए रख लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर बॉटम शैडो में आकर थर्ड ऑप्शन को इनेबल कर लीजिए और साइज को जीरो कर लो, ठीक है। कलर ब्लैक रखो, बस पोजीशन को आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से रख लेना। देखो अब यहाँ पर ब्लैक हो चुका है, शैडो आ चुका है, बस इतना करना है। फिर इफेक्ट में आकर एड इफेक्ट पे आइए और यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है ग्लो, ठीक है। यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है ग्लो, क्लिक करके स्टैंडर्ड सेटिंग को ऑन कीजिए और इसको रेडियस को आपको कितना रखना है, 85 या 88, ठीक है। तो मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर 88 रख लेता हूँ, देख सकते हो। तो आपको भी कुछ इस तरीके से रख लेना है और अल्फ़ा को यहाँ पर फिलहाल के लिए इतना रहने देते हैं और यहाँ पर हार्डनेस को गाइज कम कर लेंगे, यहाँ पर 8 कर लेंगे, ठीक है। अब कलर देखो बैकग्राउंड की जो है, आप यहाँ पर इस वाले कलर पर टैप करोगे तो जो कलर ऐड करना चाहते हो, तो ये वाइट लिरिक्स है इसलिए मैं यहाँ पर वाइट ऐड कर दूँगा। तो देखिए ये वाइट आ चुका है, ठीक है। तो देखो कुछ इस तरीके से आपको बिफोर देन आफ्टर की इफेक्ट देख सकते हो। तो एक लिरिक्स हमारा क्रिएट हो चुका है, इसी को टैप कर लीजिए, प्लस में आके यहाँ पर आपको डुप्लीकेट लेयर कर लेना है। तो ये लेयर आ जाएगा एक और इमेज को थोड़ा सा मैं इधर कर लेता हूँ, तो एक और लेयर आ चुका है। अब इसी लेयर को एक को टैप करके नीचे की तरफ कर लो। अब यहाँ पर एडिट में आइए और जो आपकी नेक्स्ट लिरिक्स है ना उसको यहाँ पर पेस्ट कर लीजिए जितना आप लिखना चाहते हो। तो मैं यहाँ पर दो वर्ड लिखा था, हर सारे लिरिक्स में दो दो वर्ड मैंने लिखा था, जैसे कि कोई नहीं, तो इसी तरीके से मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ नहीं और उसके स्टार्टिंग वर्ड को मैं कैपिटल कर देता हूँ। और यहाँ पे इस बार जो फॉन्ट मैं यूज करूँगा या ये बिलियंस ड्रीम्स नाम का कुछ ये फॉन्ट है, इसको ऐड कर लेंगे। और ये कलर में आके इस बार जो कलर मैं रेड ऐड करूँगा और इस वाले ऑप्शन को टैप करके कलर को पूरी यहाँ पर हम डार्क कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर वाइट ही है, तो इसके लिए हम इफेक्ट में आके एड इफेक्ट पे जाके सॉरी ग्लो में जाएंगे और ये वाइट कलर तो इसको हम रेड कर लेंगे। तो देख सकते हो आप कलर कितनी गई यहाँ पे ग्लो हो चुकी है। बाकी अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर छोटा बड़ा साइज कर लेना, मूवमेंट ट्रांसफर में आके जहाँ भी लगाना चाहते हो यहाँ पर इस तरीके से लगा सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारी लिरिक्स बन चुकी है, आपको कुछ नहीं करना। अब इसकी जो ड्यूरेशन है पहले तो यहाँ पर लास्ट तक कर लेना है, ठीक है, पूरी लास्ट तक कर लीजिए। अब आपको सॉन्ग को प्ले कर लेना है, तो भाई सबसे पहले म्यूज़िक को यहाँ पर मैं बंद कर लेता हूँ। आपको सॉन्ग को प्ले कर लेना है और देखना है कि जहाँ पर अगर ये कोई नहीं जितना ये लिरिक्स है जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहीं पर एक बीट मार्क लगा लीजिए और यहाँ पे इमेज को टैप करके इस एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लो, ठीक है। और दोनों लिरिक्स को भी टैप कर लीजिए साथ में और इस बीच वाले ऑप्शन में टैप करके कट करके ट्रिम कर लो, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, इमेज को टैप करो, इफेक्ट में आकर 3 डॉट पर आकर कॉपी इफेक्ट करो, दूसरी इमेज को टैप कर लीजिए, इफेक्ट में आकर 3 डॉट पर पेस्ट इफेक्ट कीजिए और यहाँ से कहा जाए आपको ब्लेंडिंग एंड ओपासिटी में किसी को ओपासिटी को कम कर लो ताकि अपनी लिरिक्स थोड़ी सी ग्लो दिखे। अब नेक्स्ट लिरिक्स को टैप कीजिए और यहाँ पर और एडिट टैक्स में आइए और यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको पेस्ट कर लेना है जो भी आप लिखना चाहते हो और बाकी के वर्ड्स को कॉपी करेंगे। इस बार मैं अमेरिकन कैप्टन वाले फॉन्ट को ऐड कर लेता हूँ और साइज़ को अपने अकॉर्डिंग बड़ा छोटा कर लेना यहाँ पे। फिर नीचे वाले लिरिक्स को टैप करेंगे, एडिट में आएंगे और इस तरीके से मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ शिवा और सॉरी शिवा था भाई, तो कुछ इस तरीके से हम लिखेंगे। बाकी का जी यहाँ पर कलर अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर जैसे कि मैं येलो कर देता हूँ इसको और यहाँ पर हम आएंगे इफेक्ट में ग्लो में आके इसकी जो कलर है यहाँ पर इसको भी येलो करके डार्क कर लेंगे। देखो कुछ इस तरीके से होगा। फिर से प्ले कर लेना, सुन लेना, ये जितना आएगा फिर से वहाँ पर बीट मार्क लगा लीजिएगा और कट कर लेना, ठीक है, दोनों लिरिक्स को ट्रिम कर लेना स्प्लिट और एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम कर लीजिए। फिर से आपको इमेज को टैप करके इधर कर लेना है छोटा है, तो इफेक्ट में आकर 3 डॉट पर पेस्ट इफेक्ट कर लीजिए और इसकी जो ब्लेंडिंग एंड ओपासिटी में ओपासिटी को कम कर लीजिए और यहाँ पर जितना लिरिक्स लिखना चाहते हो फिर से आप लिख सकते हो, साइज वगैरह छोटा बड़ा होगा तो कर लेना। सॉरी गाइस, यहाँ पर आपको फिर से लिरिक्स को इधर कर लेना जिधर भी आप रखना चाहते हो ऐसे करके। और इसके बाद में जितना भी गाइस यहाँ पर आप लिरिक्स लिखना चाहते हो, जितना ड्यूरेशन रखना चाहते हो अपने लिरिक्स के, लिखते जाना, बीच में ट्रिम करते जाना, इमेजेस पे इफेक्ट पेस्ट करते जाना। तो देखो कुछ इस तरीके से आपको लिरिक्स को गाइस क्रिएट कर लेना होगा, देख सकते हो ऐसे करके। तो पूरा लिरिक्स इधर भी आपको क्रिएट कर लेना है पूरी एंड तक, ठीक है। जब आप लिरिक्स वगैरह क्रिएट कर लोगे तो अब आपको क्या करना है ध्यान से देखो, ठीक है। आपको गाइस यहाँ पर इस इमेज को टैप करना है और ये जो दोनों लिरिक्स है इनको टैप कर लेना है और इस ग्रुप वाले ऑप्शन में टैप करके ग्रुप क्रिएट कर लेना है, देखो ग्रुप बन जाएगा। फिर आपको यहाँ पर इमेज को टैप करना है, फिर से ये दोनों ऊपर वाले लिरिक्स को टैप कर लेना है इमेज के ऊपर वाला और फिर से टैप कर लोगे तो ग्रुप बन जाएगा।
फिर दोनों लिरिक्स को या इमेज को टैप कीजिए और फिर से यहाँ पर टैप करके ग्रुप बना लो। तो देखो इस तरीके से यहाँ पर फिलहाल के लिए गाइस ग्रुप बन चुका है और इसे पूरी एंड तक लिरिक्स को लिखते जाना है और ग्रुप बनाते जाना है, ठीक है। जब इतना हो जाएगा तो डिस्क्रिप्शन में अब आपको प्रीसेट वगैरह मिल जाएगा इसके बाद का, ठीक है। तो बैक कर लेता हूँ और यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से मैं प्रीसेट आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर टैप कर लेना है, ठीक है, और यहाँ पर प्लस पे आना है और उसके बाद में गाइस यहाँ पे कॉपी लेयर पे टैप कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर एक प्लस पे आकर कॉपी लेयर कर लो। अब ये कॉपी हो चुका है, उसके बाद में गाइस यहाँ पर अपने उसी प्रोजेक्ट में जाना है और यहाँ पे उस वाले ग्रुप को टैप करना है, फिर प्लस में जाना है यहाँ पे और यहाँ पे पेस्ट स्टाइल की एरो पे टैप कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे ऊपर के तीन जो है ना बंद कर लेना है, ऑफ कर लेना है और पेस्ट पे टैप कर देना है। देखो हमारी जो इफेक्ट है कुछ इस तरीके से ऐड हो जाएगी गाइस, ठीक है। अब अगर आपको लग रहा है कि छोटा बड़ा है तो इसको आपको कुछ नहीं करना, पहले सेंटर में आने देना है और अपनी दोनों फिंगर की हेल्प से, दोनों उंगली की हेल्प से इसको छोटा बड़ा कर लेना है, ठीक है। आपको मूवमेंट ट्रांसफर में आके कुछ नहीं करना है, नहीं तो आपकी लिरिक्स जूमिंग वगैरह हो जाएगा बहुत ज़्यादा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आप देखो परफेक्ट यहाँ पर इफेक्ट कुछ इस तरीके से ऐड हो चुकी है। अब बैक होंगे, फिर से उसी प्रीसेट में जाएंगे और यहाँ पर आपको देख सो सेकंड वाले को टैप करना है और प्लस में आकर फिर से उसकी कॉपी लेयर कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद फिर से अपनी प्रोजेक्ट में जाएंगे, ठीक है। अब दूसरी जो गाइस यहाँ पर टैप करेंगे फिर से, अब प्लस में आके पेस्ट स्टाइल की एरो पर टैप कर लीजिए, तीनों को अनटिक करके फिर पेस्ट कर लो। तो देखो ये वाला भी आ चुका है, देख सो कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। अब फिर से बैक हो जाइए गाइस और उसके बाद में फिर से प्रीसेट में आएंगे। यहाँ पर मैंने क्या किया, बस तीन फोटो मैंने डिलीट किया था क्योंकि बहुत ज़्यादा एमबी हो रहा था तो आप लोग इंपोर्ट नहीं कर पाते। बाकी इधर जितने भी है इमेज वगैरह सारा ऐड है, बस इमेज आपको टैप कर लेना है, यहाँ पर एडिट ग्रुप में जाके इमेज को बस ऐड कर लेना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। आपको पूरा बनाया बनाया है मिल जाएगा। अब थर्ड वाले को टैप करेंगे, प्लस में इसको भी कॉपी लेयर कर लीजिएगा और उसके बाद में गाइस बैक हो जाएंगे और उसके बाद में फिर से गाइस अपनी जो यहाँ पर देखो थर्ड वाली जो इसको टैप कर लेंगे, प्लस में आके पेस्ट स्टाइल की एरो पर टैप करके पेस्ट कर लेंगे। तो देखो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब इसको मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा ना मैं इसको जूम कर लूँगा, ठीक है, इधर जूम करके सेंटर में रख लूँगा, इधर कर लूँगा, ठीक है। तो देखो गाइस फाइनली कुछ इस तरीके से हमारी लिरिक्स क्रिएट हो चुकी है, देख सकते हो, आई होप आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर देखो आपको एक और इफेक्ट मैंने बना कर दे दिया है डिस्क्रिप्शन में। ये सारे बनाने में भाई इतनी मेहनत लगी ना और मेरे अलाइट मुझे इतनी लैग कर रहा था ना कि क्या ही बताऊं भाई, बहुत ज़्यादा मुसीबत के बाद में ये प्रोजेक्ट बनाया हूँ। तो अब ये दोनों जो है ऊपर के HDR आपको मिलेगा, दोनों को टैप कर लीजिएगा। जब आप पूरा इफेक्ट वगैरह लगा लोगे, प्रीसेट वगैरह अप्लाई कर लोगे, लिरिक्स वगैरह क्रिएट कर लोगे, फिर लास्ट में आपको दोनों को टैप करके प्लस में आना है, कॉपी टू लेयर कर लीजिएगा और यहाँ पर इस प्रीसेट में आना प्रोजेक्ट में अपनी जो है, और प्लस में आके यहाँ पर फिर से आपको पेस्ट टू लेयर कर देना है। तो देखो HDR इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा, देख रहे हो। तो कितनी गाइस ऑसम लग रही है आपकी वीडियो, देख सकते हो, यहाँ पर देख ही सकते हो। तो आपकी मर्जी, अगर अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई कर सकते हो। बाकी इसकी ड्यूरेशन को मैंने एंड तक पहले से करके छोड़ दिया है। फाइनली वीडियोज़ बन के रेडी हो चुकी है, बस यहाँ पर आपको शेयर वाले ऑप्शन पर टैप कर लेना है, देन एक्सपोर्ट करके वीडियो को गैलरी में सेव कर लेना है। वीडियो कैसा लगा कॉमेंट में ज़रूर बताना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई videos।